हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा मल्टी कलर टेबल कवर का डिज़ाइन। एंड इन दिस वीडियो आई विल प्रोवाइड यू इंग्लिश सबटाइटल आल्सो। सो इफ़ यू डोंट नो हिंदी देन यू कैन मेक इट विद द हेल्प ऑफ इंग्लिश सबटाइटल्स। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेयर आई हैव यूज ओनली अ वेस्ट वूल। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ बची हुई वूल को यूज़ करके इस पूरे टेबल कवर को बनाया है। चार कलर को मैंने इसमें यूज़ किया है और बहुत ही खूबसूरत सा टेबल कवर है। आप जितना बड़ा चाहे उतना बड़ा इसे बना सकते हैं। बीच में मैंने येलो कलर लिया है, फिर उसी येलो कलर को मैंने बाद में लगाया है। तो येलो कलर आपके पास थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए और वाइट कलर बाकी जो बीच में लगी हुई है वो थोड़ी थोड़ी उनमें आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए फिर आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और आने वाले बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो अगर थोड़ा भी पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। बनाया है मैंने इसे 2 प्लाई की वूल से और 3.5 mm की क्रोशिया हुक से। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैं यूज़ करूँगी 2 प्लाई की वूल और 3.5 mm की क्रोशिया हुक। सबसे पहले इसमें चेन बना लेनी है और टोटल हमें इसमें 46 चेन बना के रेडी करनी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इस तरह से टोटल इसमें 46 मीन्स 46 चेन्स बना के रेडी कर लेंगे पहले। तो इस तरीके से मैंने पूरी 46 चेन बना ली है और अब यहाँ से देखिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10वें नंबर की चेन है। तो ऊपर से जो 10th नंबर की चेन होगी उसमें आपको क्रोशिया को डालना है और एक सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। और अब यहाँ पे फिर से 1, 2, 3, 4, 5 पांच चेन बनाएंगे। पांच चेन के बाद उसी के बाद वाली से काउंट करेंगे जहाँ से जोड़ा है उसी के बाद से 1, 2, 3, 4, 5 और जो छठी नंबर की है 6 नंबर वाली है इसमें ऐड कर देंगे। फिर से 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 और जो 6 नंबर वाली है इसमें ऐड कर देना है। सेम प्रोसेस को कंटिन्यू करना है और पूरे में ऐसे ही बना के रेडी करना है। तो ये देखिए इस तरह से टोटल इसमें मेरे पास 1, 5, 2, 6 और 7 टोटल 7 रिंग बन के रेडी हो गई। और अब ये वाला जो फर्स्ट नंबर होल है इसमें पहले एक सिंगल क्रोशिया बना के होल के बिल्कुल बीच में आ जाएंगे और 1, 2, 3 चेन बनाएंगे। इसी होल में फिर से डालेंगे और 10 और डबल क्रोशिया बना के रेडी करेंगे। 1, 2, 3, 8, 9 और 10 तो टोटल 11 हैं हमारे पास। यहाँ पे 3 चेन जो बनाई थी वो भी पहले एक डबल क्रोशिया थी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और अब यहाँ पे जो दूसरी वाली चेन है इसमें देखिएगा यहाँ पे 5 चेन है, 1, 2, 3, 4, 5 तो जो थर्ड नंबर वाली चेन है 1, 2, 3 सबसे बीच वाली जो चेन है इसमें हमें अपने वर्क को ऐड करना है। 1, 2, 3 इसमें भी ऐड करना है प्लस इसमें भी ऐड करना है। तो देखिएगा 1, 2, 3 इधर से और थर्ड नंबर वाली ही इधर से। ये देखिए दोनों को एक साथ लेके हमें इसे ऐड करना है। तो ये देखिए ये इस तरह से पहला हमारा होल बन के रेडी हुआ। दूसरे वाले में हमने इसे ऐड किया है और अब जो तीसरा वाला है इसमें फिर से 11 डबल क्रोशिया बनाएंगे।
ये देखिए फिर से 11 हमने बना के रेडी कर लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अगेन सेम प्रोसेस को ही करेंगे, 1 2 3 थर्ड नंबर चेन इसकी और थर्ड नंबर चेन नीचे वाले की, ठीक है, 1 2 और 3 एक साथ लेंगे और इसे सिंगल क्रोशिया लगा देंगे और अगेन नेक्स्ट वन से 11 डबल क्रोशिया बनाना रेडी करेंगे। तो सेम प्रोसेस को ही रिपीट करेंगे और पूरे में ऐसे ही ओवर करेंगे। देखिए ये मैंने इसमें तीनों में बना के रेडी किया है, 1 2 और 3 और अब मैं लास्ट में हूँ और लास्ट में इसमें आपको पूरा ये राउंड शेप बनाना है। ये देख रहे हैं आप, ये पूरा आपको ऐसे गोल बनाना है। तो टोटल इसमें 21 डबल क्रोशिया बनाएंगे, दो मैंने बना ली है, 3 ये देखिए इस तरह से टोटल इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड 21 टोटल 21 हमने बना के इसमें रख ली है। और 21 बनाने के बाद अब अगेन जहाँ पे आपने पहली वाली को ऐड किया है, ये देखिए बीच में ऐड किया है यहाँ पे, सेम इसी जगह पे फिर से क्रोशिया को डालेंगे और इधर से भी इसे ऐड कर देंगे। ओके, तो ये देखिए कितनी प्यारी सी और खूबसूरत सी रिंग बन के रेडी हो गई। और अब इधर से भी दूसरे साइड से भी हमें सेम ऐसे ही बना के रेडी करना है। तो ये दोनों हैं, 11 11 हमने बनाई थी, तो इधर से भी टोटल 11 11 बना के इसमें रेडी करेंगे, 1 2 3 10 और ये 11। ओके, 11 डबल क्रोशिया बना ली और अब फिर से जहां से ऐड किया था इसी प्लेस पे से ऐड कर देंगे और नेक्स्ट वन वाली जो रिंग है इसमें भी 11 डबल क्रोशिया बना के रेडी कर लेंगे। ओके, इसमें भी ऐसे ही बना लेना है। ये देखिए कुछ इस तरीके का पैटर्न इसमें बन के रेडी हुआ और अब लास्ट वाला बचा हुआ है। यहाँ भी हमें इसे राउंड शेप ही देना है, जैसे कि इस वाले साइड में दिया था पूरा राउंड शेप। यहाँ टोटल 11 हमने बना ली है, इधर हमने 21 बनाई है टोटल, तो इधर भी 21 ही बनानी है। तो अब 11 में 10 और ऐड करेंगे तो 21 बन के रेडी होंगी। तो अब बाकी की 10 इसमें इधर से बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ओके, और ये 10 बनाने के बाद 1 2 3 जो थर्ड नंबर वाली चेन है, जो हमारी फर्स्ट डबल क्रोशिया है, यहीं पे इसे ऐड कर देंगे। ये देखिए ये हमारा स्टार्टिंग पैटर्न जो सेंटर में जो बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनके रेडी होगा। और अब इसमें क्या करना है, देखिएगा जहाँ से जिस चेन पे हमने ऐड किया है, ओके, यहाँ पे हमने लास्ट वाला ऐड किया है थर्ड नंबर वाली चेन में, इसी में फिर से डालेंगे और एक सिंगल क्रोशिया इसमें बनाएंगे, उसके बाद वाली में डालेंगे एक सिंगल क्रोशिया, अब उसके बाद वाली में डालेंगे एक सिंगल क्रोशिया। तो टोटल यहाँ पे 1 2 3 सिंगल क्रोशिया बना ली है। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, जिस चेन से आपने थर्ड नंबर चेन पे अपने वर्क को ऐड किया था, पहली सिंगल क्रोशिया उसी पे बनेगी। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 आठ चेन बनाएंगे और आठ चेन बना के जहाँ पे ऐड किया है जस्ट इसके बगल वाली, इसमें देखिएगा ऐड करके चेन बनाई है, इसके जस्ट बगल वाली में डालेंगे और सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये फिर से एक लूप बन के रेडी हो गया और अब इसके बाद फिर से चार और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2
तीन, चार। देखिए जहाँ पे ऐड किया है वो पहली हो गई, फिर एक दो तीन चार और बनाई, तो टोटल यहाँ पे पांच सिंगल क्रोशिया हैं। अब बनानी है एक दो तीन चार पाँच छः। ये कॉर्नर है इसलिए यहाँ पे हमने एट चैन बनाई है। और अब हमें बनाना है इस वाले पार्ट पे, तो इस वाले पार्ट पे हमें बनानी है छः चैन सब में। यहाँ पे देखिए एक दो तीन, तीन डबल क्रोशिया इधर छूटी हुई है, तीन इधर भी छोड़ेंगे, एक दो तीन, एक स्किप करेंगे, दो स्किप करेंगे, तीन स्किप करेंगे और चौथी वाली से सिंगल क्रोशिया बनाना स्टार्ट करेंगे। एक दो तीन चार और पांच। तो ये हमारी बिल्कुल बीचों बीच हो जाएगी, क्योंकि इधर देखिए इधर भी अब तीन ही बची हैं, एक दो और तीन, तीन इधर हैं, तीन इधर हैं, छः हो गई, बीच में हमने पांच बना ली, तो छः पांच ग्यारह होती हैं और ग्यारह ही डबल क्रोशिया हमने इसमें बनाई है। फिर से छः बनाएंगे चेन, एक दो तीन चार पाँच छः, और छः चैन बना के सेम प्रोसेस को करेंगे, एक दो तीन स्किप करेंगे और चौथी वाली से पांच सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक पांच। ठीक है, फिर से देखें यहाँ पे एक दो तीन ही बची हैं, एक दो तीन चार पाँच छः, अगेन यहाँ पे छः चैन बनाएंगे, एक दो तीन स्किप करेंगे और फिर से नेक्स्ट वन से एक दो तीन चार और पांच। अगेन अब हमें ये वाला कॉर्नर बनाना है जो हमने इधर बनाया है, फिर से आठ चेन बनाएंगे यहाँ पे कॉर्नर के लिए, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, आठ चेन बना के जो जस्ट उसके बगल वाली डबल क्रोशिया है उसमें सिंगल क्रोशिया से इसे ऐड कर देंगे। तो ये देखिए ये एक साइड का पूरा हमारा बन के रेडी हो गया। ठीक है, अब ऐसे ही आपको दूसरे साइड भी बनाना है, तो मैं बताती हूँ कैसे बनाइएगा। दूसरे साइड के लिए यहाँ पे आठ चेन बना के रिंग को ऐड कर लिया, एक सिंगल क्रोशिया बना ली है, चार और बनाएंगे, एक दो तीन और चार, टोटल पांच हो गए। फिर से देखिए एक दो तीन चार पांच, अगेन आठ चेन, एक दो तीन चार पांच छः सात आठ, आठ चेन बनाएंगे और जस्ट इसके बगल वाली में ऐड करेंगे। तो कॉर्नर इसी तरीके से बनेगा और दो बार कॉर्नर बनेगा, एक बार इधर और दो इधर बनेंगे, एक इधर और एक इधर, तो टोटल चार जैसे कॉर्नर होते हैं, तो चार कॉर्नर बन के रेडी हो जाएंगे। एक सिंगल क्रोशिया बना ली, फिर से चार और बनाएंगे, टोटल पांच बनानी है, एक दो तीन चार और पांच। अब देखिए यहाँ पे एक दो तीन ही डबल क्रोशिया बची रह गई जैसे हमारी इस साइड बची थी। सेम इसी प्रोसेस को करेंगे जो छः छः चैन बना के हमने यहाँ पे किया है, फिर से छः चैन बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन स्किप करेंगे और फोर्थ वन में इसे ऐड करेंगे। सेम प्रोसेस को इधर भी कंटिन्यू करेंगे जैसे हमने इधर किया है, फिर से यहाँ पे पांच सिंगल क्रोशिया, छः चैन बना के फिर से तीन स्किप करेंगे और चौथी वाली से पांच सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने दूसरे साइड का भी सेम वैसे ही बना लिया। और अब अगेन कॉर्नर बनाना है, लास्ट वाली चेन को ऐड कर लिया, जैसे ये वाली चेन है वैसे ही इसे भी ऐड किया और इसके बाद सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। पांच बनानी रहती है तो एक में ऐड करते हैं, फिर दूसरी तीन चार और पांच। ठीक है, यहाँ से आठ चेन बनाएंगे क्योंकि अब कॉर्नर बनाना है, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, और कॉर्नर के बाद अब यहाँ पे इसके जस्ट बाद वाली जो डबल क्रोशिया है उसमें ऐड कर देंगे। इधर हमने तीन ही बनाई थी स्टार्टिंग में, एक दो और तीन,
ये चौथी हुई जो हमने बनाया है, और अब यहाँ पे बीच में सिर्फ एक डबल क्रोशिया ही बची रह गई है, तो पांचवी इसमें बना लेंगे। ठीक है, और अब ये जो पहली वाली हमारी सिंगल क्रोशिया है, इसमें अपने वर्क को हमें ऐड कर देना है स्लिप स्टिच से। तो यहाँ भी देखिए, एक टोटल 1 2 3 4 5 सिंगल क्रोशिया इधर भी हो गई। तो ये अब हमारा पैटर्न बनके रेडी हुआ है, और इसके आगे का प्रोसेस अब हमें करना है। यहाँ पे इसे ऐड करने के बाद दूसरे राउंड को बनाने के लिए अब देखिएगा क्या करेंगे। पहले जहाँ पे इसे ऐड किया है, ठीक है, सेम इसी जगह पे फिर से क्रोशिया को डालेंगे और एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। और अब पहले हमें कॉर्नर भरना है। तो फ्रेंड्स, कॉर्नर में डबल क्रोशिया की जो नंबरिंग होती है, जो डबल क्रोशिया होती है वो अलग नंबर्स की होती हैं, और ये जो सीधा वाला एरिया होता है इसमें अलग डबल क्रोशिया फिल करी जाती हैं। तो सबसे पहले हमें कॉर्नर फिल करना है, और एक कॉर्नर में जितनी डबल क्रोशिया आप बनाएंगी उसी चारों कॉर्नर में आपको उतनी ही डबल क्रोशिया बनानी है। तो चलिए पहले बना लेते हैं, एक दो तीन चार 13 14 और 15। तो टोटल 15 डबल क्रोशिया हमें कॉर्नर पे बना के रेडी करनी है। इस कॉर्नर पे भी 15 ही बनेगी, इस कॉर्नर पे भी 15 बनेगी, और इस कॉर्नर पे भी 15 ही बनेगी। और अब यहाँ पे देखिए, टोटल 5 सिंगल क्रोशिया है, 1 2 3 4 5। तो इधर की दो को स्किप करेंगे, बीच वाली मीन्स थर्ड नंबर वाली जो है, एक और दो छोड़ देंगे, जो तीसरे नंबर की है उसमें वर्क को ऐड कर देंगे। ठीक है, और अब हमें सीधा वाला जो पार्ट है उसमें फिल करनी है। तो उसमें हमें 11 ही फिल करनी है, जितनी हमने पिछले वाले राउंड में जब इसका सर्कल बनाया था तो 11 11 फिल करी थी। तो सेम ऐसे ही इसमें भी 11 ही भरेंगे, 1 2 10 और 11। और 11 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर से 1 2 3 जो थर्ड नंबर वाली सिंगल क्रोशिया है इसमें वर्क को ऐड कर देंगे। और सेम यहाँ से फिर से दूसरी वाली जो चेन बनी हुई है इसमें 11 डबल क्रोशिया बनाना स्टार्ट करेंगे। सेम प्रोसेस को ही कंटिन्यू करेंगे, 11 इसमें भी बनाएंगे, 11 इसमें भी बनाएंगे, और वैसे ही तीसरे नंबर वाली चेन में ऐड करते जाएंगे, सॉरी सिंगल क्रोशिया में। और ये जब कॉर्नर आएगा तो कॉर्नर में आपको 15 बनानी है, 15 के बाद अगेन इसे थर्ड नंबर वाली सिंगल क्रोशिया में ऐड करना है, और फिर से इस वाले कॉर्नर में 15 बनानी है, थर्ड नंबर वाली सिंगल क्रोशिया में ऐड करेंगे, और फिर जब इधर आ जाएंगे तो इसमें 11 11 डबल क्रोशिया बनानी है। अगेन कॉर्नर पे जब आएंगे तो 15 सिंगल क्रोशिया बना 15 डबल क्रोशिया बना के इसमें रेडी कर लेंगे। सेम ऐसे ही प्रोसेस को रिपीट करेंगे और पूरे राउंड को ऐसे ही ओवर। तो ये देखिए, यहाँ पहला राउंड बन के रेडी हो गया है पूरा, और सेम वैसे ही मैंने कॉर्नर्स में इसमें 15 15 डबल क्रोशिया फिल की हैं, और बाकी में 11 11। और अब देखिएगा, इन दोनों जो कॉर्नर है, ये दोनों जो कॉर्नर है, अब इसके बीच में भी हमें डिज़ाइन को फिल करने के लिए स्पेस बनाना है। तो अब उसके लिए कैसे करेंगे, सबसे पहले जहाँ से आपने वर्क को ऐड किया था, जहाँ पे आपने पहली सिंगल क्रोशिया बनाई थी, स्टार्ट किया था, वहीं पे वर्क को पहले ऐड कर देंगे। ओके, और अब इसके बाद यहाँ पे जो 15 डबल क्रोशिया बनी हुई है उनमें पहले हमें 8 सिंगल क्रोशिया बना लेनी है, 1 2 3। ये तीन जो है ये बीच के स्पेस में जब हमें इसे फिल करना होगा उसके लिए मैंने बनाई है। और अब जैसे 5 बनाते हैं वैसे बनाएंगे, 1 2 3 4 और 5। तो टोटल 8 बना के रेडी की है, 1 2 3 4 5 6 7 8। और अब यहाँ पे बना लेनी है फिर से 8 चेन, 1 2 3 4 5 6 7 8। और 8 चेन बना के इस बार अब आपको जहाँ पे आपने ऐड किया है, देखिए जहाँ पे लास्ट वाली सिंगल क्रोशिया बनाई है उसी स्पेस पे डालना है। उसके बगल वाले में अभी तक डाल रहे थे, बट अब इसी स्पेस में डालना है जिसमें सिंगल क्रोशिया बनाई है। मींस एक जगह से दो सिंगल क्रोशिया बन के रेडी होगी, एक ये हो गई एक ये हो गई।
एक बना ली हमने उसी जगह पे, ये हो गई दूसरी, इसके बाद तीसरी, चौथी और ये पांचवी। ठीक है, पांच हो गई। अब देखिए यहाँ पे एक दो तीन ही बच गई, जैसे हर बार बचती है। सेम इसी तरीके का जैसे तीन डबल क्रोशिया बचने वाला प्रोसेस है, वही हमने इधर भी किया है। तो जब ये मैं बीच में फिल करूँगी तो आपको समझ में आ जाएगा क्या करना है। अगेन इसमें एक दो तीन चार पाँच छः, वैसे ही छः चैन बनाएंगे, एक दो तीन स्किप करेंगे और चौथी वाली से फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच। ठीक है, अब सेम वही प्रोसेस है जैसे पहले करते थे, इसे पूरा बना के यहाँ तक आ जाएंगे, कॉर्नर तक ऐसे ही बना के रेडी करेंगे पहले। तो ये देखिए सेम वैसे ही बनाते हुए फिर से कॉर्नर पे आ गई हूँ। कॉर्नर पहले वैसे ही बनाना है आपको, यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बना ली है, दो तीन चार पाँच, फिर से आठ चेन, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, आठ चेन बना के सेम इसी जगह से फिर से बनाएंगे, जहाँ से सिंगल क्रोशिया बनाई थी उसी जगह पर डालेंगे। एक हो गई, दो तीन चार और पाँच। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे एक दो तीन, जैसे हमारी इस तरफ के प्लेस में तीन ही बचती है, वैसे इधर भी अब तीन बची, एक दो तीन, इसे छोड़ देंगे, यहाँ पे छह चैन बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः, छः चैन और इधर से भी तीन स्किप करेंगे, एक दो और तीन, फोर्थ नंबर वाली में इसे ऐड कर देंगे, ये देखिए। ठीक है, ये अब बीच में इस तरह से फिल हुआ, इसीलिए मैंने यहाँ पे आठ सिंगल क्रोशिया बनाई थी, ताकि पांच तीन नीचे की छोड़ दी जाए और उसके बाद से फिर बीच वाला पोर्शन ऐड किया जाएगा। अगेन एक सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद चार और बनानी है, दो तीन चार, पांच हो गई टोटल, एक दो एक एक दो तीन चार हुई और ये हो गई हमारी पांचवी। ठीक है, एक दो तीन चार पांच, फिर से आठ चेन बनाएंगे और सेम वैसे ही बनाना स्टार्ट करेंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, आठ चेन यहीं पे इसे पहले ऐड करेंगे सिंगल क्रोशिया से, और उसके बाद दो तीन चार पाँच, और फिर से छह चेन बना के दूसरी साइड का बनाएंगे, छह चेन, एक दो तीन स्किप करेंगे और फोर्थ वन में ऐड करेंगे, ये देखिए सेम ऐसे इधर भी छह छह चैन बनाएंगे और कॉर्नर पे आ जाएंगे, ये देखिए इस तरह से दूसरे साइड भी, दूसरे साइड का भी मैंने पूरा बना लिया है और वैसे ही कॉर्नर बना लिया है जैसे इधर का कॉर्नर बनाया था और इधर का कॉर्नर बनाया था। यहाँ पे आ गई हूँ और वैसे ही पांच सिंगल क्रोशिया जैसे हर बार बनाते हैं बना ली है। अब यहाँ पे देखिए एक दो तीन ही बची रह गई मेरे पास, दो कॉर्नर के बीच वाला जो स्पेस है इसे फिल करना है, तो एक दो तीन चार पाँच छः, छः चैन बनाएंगे और अब यहाँ आठ सिंगल क्रोशिया हमने बनाई थी, तो एक दो तीन इधर से स्किप कर देंगे और चौथी वाली पे ऐड करेंगे, ये देखिए। ठीक है, दोनों तरफ से एक जैसा हो गया। अब और अब फिर से पहले कॉर्नर फिल करेंगे, फिल करने के लिए एक दो जो बीच वाली है यहाँ पे आ जाएंगे, एक में स्लिप स्टिच बनाएंगे और ये तीसरे नंबर वाली ये है, इसमें एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ओके, जहाँ पे ऐड किया है वहाँ सिंगल क्रोशिया बनाई है, उसके बाद वाली में एक स्लिप स्टिच और फिर बीच वाली में मीन्स तीसरी वाली जो होती है उस पर आ जाएंगे और अब यहीं से
डबल क्रोशिया को फिल करना स्टार्ट करेंगे। 15 डबल क्रोशिया बनाते हैं कॉर्नर में, तो 15 ही डबल क्रोशिया इसमें बना के रेडी करेंगे। पंद्रह डबल क्रोशिया, एक दो तीन जो बीच वाली है इसमें ऐड करेंगे, और जो साइड अब दोनों साइड की है इसमें 11-11 डबल क्रोशिया बनाएंगे। बाकी का प्रोसेस सेम ही रहेगा। अब इसमें आपको 11-11 जैसे आपने नीचे वाली रो में बना के रेडी किया है वैसे ही आपको इसमें बना के रेडी करना है। कॉर्नर में आपको 15 डबल क्रोशिया बनानी है, और 15 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर जब ये वाला पार्ट आ जाएगा तो इसमें भी आपको 11 डबल क्रोशिया बना के रेडी करना है। पहले यहाँ से बनाते हुए कॉर्नर तक आ जाते हैं। ये देखिएगा, यहाँ मैंने इधर वाला पूरा बना लिया है, 11-11 डबल क्रोशिया फिल कर ली है, कॉर्नर पे 15 डबल क्रोशिया बना ली है सेम वैसे ही। और मैं इस वाले साइड पे हूँ जहाँ पे हमने ये नया पार्ट बना के रेडी किया है, सेम वैसे ही इसे भी जस्ट बीच वाले में मीन्स थर्ड नंबर वाली सिंगल क्रोशिया पे ऐड कर देंगे। और अब ये वाला जो नया वाला पार्ट है इसमें भी हमें 11 ही डबल क्रोशिया बना के रेडी करनी है। दो, ग्यारह डबल क्रोशिया बना के अगेन एक दो तीन जो थर्ड नंबर वाला है इसमें ऐड करेंगे, और फिर से कॉर्नर बनाना स्टार्ट करेंगे। कॉर्नर में 15 डबल क्रोशिया और बाकी पार्ट में 11-11 डबल क्रोशिया, फिर से कॉर्नर में 15 डबल क्रोशिया, और यहाँ पे फिर से जैसे इस जगह पे बनाई है हमने 11 डबल क्रोशिया वैसे ही इधर के इस वाले साइड में भी बना लेंगे। सेम ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे और पूरे राउंड को ऐसे ही ओवर करेंगे। वर्क एंड में अगेन जहाँ से स्टार्ट किया है इसी जगह पे धागे को ऐड करेंगे। ये देखिए, ये हमारा इतना पार्ट बन के रेडी हो गया है। जैसे मैंने अब फ्रेंड्स ये वाला राउंड आपको बताया है ना, सेम वैसे ही अब आपके बाकी के राउंड बनेंगे। ये वाला जो पार्ट इसमें एक दो तीन चार बन रहा है ये ऐसे ही बनेगा, कॉर्नर जैसे आप बना रहे हैं वैसे ही बनाएंगे। और इधर जो है आपका एक नया रेडी हुआ है, अब ये आपका बढ़ता जाएगा, एक है फिर दो हो जाएगा, फिर तीन हो जाएगा, फिर चार हो जाएगा, जितना बड़ा बनाना चाहें उस तरह से बना सकते हैं। तो एक राउंड में आपको और बताती हूँ। अब यहाँ पे मैं धागे को चेंज करूँगी, तो एक चेन बना के पहले इस धागे को कट कर लेंगे, और धागे को कट करने के बाद अब देखिएगा एक दो तीन, यहाँ पे तीन स्किप करेंगे, कॉर्नर ही है ये जहाँ पे धागे को कट किया है उसी जगह पे जो 15 डबल क्रोशिया होती थी उसमें से पहली तीन, एक दो तीन स्किप कर देंगे और फोर्थ वाली पे धागे को ऐड करेंगे। ओके, और इसी जगह से फिर से डालेंगे एक सिंगल क्रोशिया, यहाँ बना लेंगे, एक हो गई, टोटल पांच बनानी होती है। फिर इसके बाद दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी, एक दो तीन चार पांच सिंगल क्रोशिया हो गई। और अब कॉर्नर के लिए आठ चेन, सात आठ, आठ चेन बना के फिर से इसी स्पेस पे डालेंगे जहां से लास्ट वाली सिंगल क्रोशिया बनाई है। तो ये हो गई हमारी पहली, फिर से दूसरी, तीसरी, ये हो गई चार, और अब पांच। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कॉर्नर। अगेन वैसे ही छः छः चैन बना के बनाना स्टार्ट करेंगे, चार पांच छः, छः चैन, एक दो तीन स्किप करेंगे और फोर्थ वाली पे ऐड कर देंगे। सेम ऐसे ही जैसे नीचे बनाया था सेम वैसे ही बनाएंगे, पूरे रो को ऐसे ही बनाएंगे और कॉर्नर बना लेंगे। फिर मैं बताती हूँ यहाँ पे बढ़ेगा कैसे। मैं कॉर्नर से इधर पे आ गई हूँ, अब हमें यहीं पे बनाना है। इधर देखिए जहाँ पे एक बनाया है, अब इसमें कैसे स्टार्टिंग होगी फ्रेंड्स ये मैं आपको बताऊंगी, उसके बाद फिर इसे फिल वैसे ही करना है जैसे हमेशा करते हैं। यहाँ पे अब एक दो तीन ही बची हुई है, फिर से एक दो तीन चार पाँच छः, छः चैन बनाएंगे, एक दो तीन स्किप करेंगे और फोर्थ वाली से ऐड करना स्टार्ट करेंगे, एक दो तीन चार पांच, सेम वैसे ही करना है जैसे
दूसरे साइड पे करते हैं, बस इसमें अब आपकी बढ़ती जाएगी, 2 3 4 5 6 छः चेन, फिर से 1 2 3 स्किप करेंगे और फोर्थ वाली में ऐड करके कॉर्नर बनाएंगे। दो तीन चार पाँच, 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर बनाने के लिए 8 चेन बनाई और सेम इसी जगह पे ऐड कर दिया। सेम प्रोसेस को करेंगे, पूरे राउंड को ऐसे ही ओवर करेंगे। कॉर्नर को वैसे ही 15-15 डबल क्रोशिया से फिल करना है और ये वाली जो चेन है इसे हमें 11-11 डबल क्रोशिया से फिल करना है। सेम ही ऐसे ही बनाते हुए इधर भी चेन बनाएंगे, कॉर्नर बनाएंगे, चेन बनाएंगे और फिर इधर, जैसे इधर देखिएगा अब दो हो गई हैं, 1 और 2, सेम ऐसे इधर भी 2 बन जाएंगी, 1 और 2, और उसके बाद जहां से आपने स्टार्टिंग की है वहीं पे वर्क को ऐड कर देंगे। ये देखिए इस तरह से वैसे ही चेन बनाते हुए और कॉर्नर बनाते हुए अब मैं पूरा बना लिया है और एंड में जहां से आपने स्टार्ट किया था सेम इसी पॉइंट पे अपने वर्क को ऐड कर देना है आपको। और अब इसे फिल करना है, पहले कॉर्नर को फिल करना है, तो यहाँ पे 1 2 3, ये देखिए ये है बीच वाली हमारी सिंगल क्रोशिया, तो पहले यहाँ पे आ जाएंगे, बीच वाली सिंगल क्रोशिया पे आएंगे और बीच वाली सिंगल क्रोशिया पे एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। और अब सेम उसी तरीके से जैसे नीचे के बाकी राउंड्स बनाए हैं सेम वैसे ही बनाना है और इसमें टोटल 15 डबल क्रोशिया बना के रेडी करनी है। 3 13 14 15 और वैसे ही थर्ड नंबर वाले में बीच में ऐड करेंगे और जहां 6 चैन बनाई है उसमें 11 डबल क्रोशिया बनाएंगे। सो फ्रेंड्स अब आपको इसे ऐसे ही बनाते जाना है, सेम इसी पैटर्न को रिपीट करना है बार बार और हर बार आपकी देखिएगा इस साइड भी एक पैटर्न बढ़ जाएगा, इस साइड भी एक पैटर्न बढ़ जाएगा, इधर भी एक पैटर्न बढ़ेगा और इधर भी एक पैटर्न बढ़ेगा। पहले यहाँ पे एक पैटर्न था, अब 2 पैटर्न हो गए हैं, इसके बाद वाले राउंड में 3 पैटर्न हो जाएगा। अगर आप सेम प्रोसेस इसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे कॉर्नर ऐसे ही बनेगा जैसे बनता है। यहाँ पे पहले 1 2 3 4 पैटर्न था और अब देखिए 1 2 3 4 5 पैटर्न हो गए हैं, इसके बाद वाले राउंड में इसमें 6 पैटर्न हो जाएंगे। तो इसी तरीके से कॉर्नर बनाने हैं, जैसे कॉर्नर मैंने बताया है सेम वैसे ही बनाना है। सेम जब आप इस ये पूरा बना के चले आएंगे तो उसके बाद फिर से धागे को अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। मैं अब एक एक हर राउंड के बाद धागे को चेंज करूंगी, व्हाइट लगाया है इसके बाद फिर येलो लगाऊंगी, फिर से व्हाइट, फिर से येलो और जितना बड़ा आप इसे बनाना चाहते हैं सेम ही प्रोसेस को कंटिन्यू करते हुए अपने टेबल के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। मैं पूरा बना लेती हूं इसे, फिर आपको दिखाती हूं, देखने पे फिर और आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से इसमें बढ़ाना है। देखिएगा फ्रेंड्स यहाँ मैंने इतना बना के रेडी कर लिया है, जैसे आपको बताया था सेम वैसे ही बनाना है। ये जो मैंने कॉर्नर बनाए हैं चारों कॉर्नर ऐसे ही बनेंगे, देखिए 1 2 कॉर्नर बिल्कुल साफ पता चल रहे हैं, ये तीसरा कॉर्नर और ये चौथा कॉर्नर, और हर बार आपका लंबाई और चौड़ाई में एक एक हाफ सर्कल बढ़ता गया है। तो यहां मैंने लास्ट में देखिएगा एक रो बना ली है, लास्ट रो जो बनेगी वो भी सेम ही पैटर्न पे बनेगी बट हल्का सा सिर्फ चेंज होगा। तो चलिए उसे बनाते हैं पहले कैसे बनेगा लास्ट वाली रो जो आपका फाइनल और बॉर्डर लुक देगी। तो कॉर्नर से ही स्टार्ट करते हैं। कॉर्नर में हम लोग हमेशा यहाँ पे 15 डबल क्रोशिया बनाते हैं, तो पहले इसमें 7 डबल क्रोशिया बना लेंगे, आधी आधी करनी है इसे और बीच वाली जो सबसे सेंटर वाली रहेगी उसमें हल्की सी एक डिजाइन बनानी है। तो 3 7, ये 7 हो गई। अब बीच वाले डबल क्रोशिया होगी हमारी 8वीं वाली, तो 8वीं वाली डबल क्रोशिया मीन्स 8th नंबर भी बना ली। अब यहाँ पे 1 2 3 4 4 चैन बनाएंगे और जो 8th नंबर डबल क्रोशिया है देखिए इसी के ऊपर से डालना है, यहाँ से जस्ट इसके ऊपर वाली चेन में डालेंगे और इस तरीके से 4 चेन का एक लूप बनाएंगे। अब बनाएंगे 5 चेन, 1 2 3 4 5
और सेम इसी जगह से फिर से जहां से पहला वाला लूप तैयार किया है उसी जगह से दूसरा वाला लूप भी बना लेंगे। ओके, और अब बनाएंगे यहां पे फिर से चार चेन, तीन चार, एक बार चार बनानी है, बीच वाली पांच और किनारे वाली फिर से छह, फिर से वहीं डालना है और इस तरह से निकाल लेना है। और अब इसके बाकी में सात डबल क्रोशिया बनी हुई है, आठ बना ली है हमने, सात और बनानी है तो सात इसके बाद इसमें और बना लेंगे, एक दो, और ये हो गया सात। अगेन वैसे ही एक दो, जो तीसरी वाली सिंगल क्रोशिया है थर्ड नंबर वाली, इसमें वर्क को ऐड कर देंगे और ये जो हमारा फाइनल बनेगा वो कुछ इस तरीके का लुक देगा। बहुत ही खूबसूरत और सिंपल सा पैटर्न लगता है ये बनने के बाद। और अगेन अब देखिए मैं दूसरे साइड में हूँ, अब सब में आपको ऐसे ही करना है। कॉर्नर में सात आठ डबल क्रोशिया के ऊपर, जो आठवीं वाली डबल क्रोशिया है उसके ऊपर ये पैटर्न बनाना है। इसमें हम हमेशा 11 बनाते हैं तो छठी वाली पे बनाना है, पांच पांच एक साइड करेंगे, 10 हो गई, बीच की होगी सिक्स नंबर वाली डबल क्रोशिया तो उसमें बना लेंगे। तो पहले इसमें पांच डबल क्रोशिया बना लेते हैं, एक दो तीन चार पांच, पांच डबल क्रोशिया, ये हमारी आधी हो गई। अब सिक्स नंबर बताएंगे जो सबसे मिडिल वाली बीच वाली है और सेम डिजाइन को इसके ऊपर बनाएंगे। पहले चार चेन, एक दो तीन चार, चार चेन बना के जस्ट सिक्स वाली के ऊपर से डालेंगे और एक सिंगल क्रोशिया। अब पांच चेन, दो तीन चार पांच, फिर से सेम स्पेस से ही डालेंगे जहां से पहले डाला था सिक्स वाली डबल क्रोशिया से, फिर से एक सिंगल क्रोशिया और एक दो तीन चार, थर्ड वाली फिर से एक बार चार, दूसरी बार पांच और फिर से चार, ऐसे आपको चेन बनानी है इसमें। और अब बची है हमारी इसमें छह डबल क्रोशिया हो गई, पांच बच गई है तो पांच अब फिर से बना लेंगे, एक दो तीन चार पांच, और अगेन बीच वाली में ऐड कर देंगे। तो सेम प्रोसेस को ही रिपीट करना है और इस फाइनल राउंड को ऐसे ही बना के रेडी करना है। फाइनल राउंड बनने के बाद ये इसका जो लुक है वो ये कुछ इस तरीके का लगेगा, जैसे यहाँ पे बन के रेडी हो रहा है। सेम इसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे, पूरा ऐसे ही बना लेंगे, कॉर्नर में जैसे बताया है वैसे बनाएंगे, बीच वाला जैसे बताया है वैसे ही बनाएंगे। पूरा मैं बना लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से पूरी डिज़ाइन बनके रेडी है। आई होप आपको मेरा ये पैटर्न जरूर पसंद आया होगा। थोड़ा भी पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। मैं मिलूंगी आपसे कुछ नए आइडियाज़ के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।